Hey guys, a very good afternoon. वेलकम बैक टू माई चैनल संजनास नेस्ट। होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे माइक पकड़ के मुझे बोलना पड़ रहा है बिकॉज कल आपको मैंने बताई दिया था कि मेरा वो रिप्लेस भी नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला है जी। यस, थोड़ा सा रील बना रही थी तो मैंने मेकअप किया था थोड़ा सा, नहा वहा के रेडियो के नहा के आदि को तो सुला दिया था मैंने, एंड देन मैंने रील बनाया। प्लीज़ देख लेना गाइस, एंड सब्सक्रिप्शन गाइस, सब्सक्राइब नहीं कर रहा कोई मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, क्या बोलूँ मैं, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, वीडियोस भी देखने हैं ताकि व्यूज़ भी बढ़े। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 गाइस, वॉच माई चैनल। Look at what happened to your hair? What happened to your hair? Look at me. Couple pichari gora. Aaj is awake. Pichari gora na couple. Couple pichari gora na. गाइस मैं तो भी टीवी देख रही थी, पर मैं इस रूम में आके देखा कि माय गॉड इतना अंधेरा हो गया। वहाँ पे तो मैंने लाइट जलाया हुआ है, आदू के साथ थी तो उजाला लग रहा था, एंड मैं बाहर आई तो और ज़्यादा अंधेरा। ये फिर भी स्क्रीन में उजाला लग रहा है, इतना उजाला नहीं है। एंड ये देखो 5 ही बजे, ज़्यादा नहीं बजा, चाँद को देख लो इतना क्लियरली दिख रहा है ना, तो रियली अंधेरा हो गया है। अब पूजा वूजा कर ली तो टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं हुआ है, इट्स जस्ट 5 o'clock, इट्स ओनली 5 o'clock। फ्रेंड्स आज मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना पाई ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि मेरे को ना मेरा नाइट क्रीम ख़त्म हो गया है जो मैंने घर पे ही बनाना शुरू किया है, सीखा है तो मैं बना रही हूँ, मैंने यूट्यूब से ही देखकर सीखा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ बिकॉज इसका इफ़ेक्ट मुझे बहुत पसंद आया। हम इतनी महंगी महंगी क्रीम ख़रीदते हैं तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ़ दैट अगर हम होममेड यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। दिस इज़ फॉर दोज़ हु रियली वॉन्ट टू यूज़ होममेड थिंग्स। तो जो नाइट क्रीम मैं बना रही हूँ स्पेशली फॉर द विंटर्स वो है फर्स्ट, एंड मैं सिर्फ 7 दिन का बना रही हूँ, तो आई टेक एवरीथिंग सिर्फ 1 teaspoon करके। सो फर्स्ट आई टेक कोकोनट ऑयल, ये मैंने पैराशूट का कोकोनट ऑयल लिया है। यस, इसके बाद आई विल पुट रोज वाटर। गाइस जो रोज़ वाटर होता है ना, मेक श्योर कि आप रोज़ वाटर वही वाला ले जो फेस के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ गुलाबरी डाबर वगैरह का, जो वो भगवान के पूजा के लिए रोज़ वाटर यूज़ होता है, प्लीज़ वो ना ले। ये नारियल से, नारियल के तेल से थोड़ा सा कम, एंड देन इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे, लेट्स सी, ताकत चाहिए थोड़ा सा। देखिए अभी से ही कलर चेंज होना शुरू हो गया, अब मैं इसमें डालती हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में मैं 1 चम्मच डालूंगी, वैसे जनरली लोग काफ़ी कम डालते हैं, मैंने लास्ट टाइम कम डाला था तो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा कम हो गया, तो इसलिए इस बार मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, एंड देन अच्छे से इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल, एंड गाइस ये जो एलोवेरा जेल होता है ना, ये जो घर पे हम पौधे से निकालते हैं ना, प्लीज़ वो मत यूज़ करिएगा, क्योंकि हमें एलोवेरा जेल जो ये
दुकान में मिलता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, वो 1 चम्मच। आपको यही एलोवेरा जेल लेना पड़ेगा, वो घर पे वो पेड़ से निकाल के इट विल नॉट वर्क, सो विल हैव टू यूज़ दिस खरीद के। तो मतलब अगर आप ये चीज़ें छोटे छोटे वाला पैकेट भी ख़रीद लेंगे ना, तो ये आपका कम से कम पूरा विंटर तो निकल ही जाएगा अगर आप अकेले यूज़ कर रहे हैं तो। जस्ट सी द चेंज। अब जो अभी तक जो मैंने डाला है, द फर्स्ट थिंग इज़ मैंने डाला नारियल का तेल, गुलाब जल, ग्लिसरीन एंड एलोवेरा जेल। अब इसका एक और इंग्रेडिएंट रहता है जो मैं अभी डालूँगी, और वो इंग्रेडिएंट है, वेयर इज इट, मैंने रखा था, ये है गाइस, केसर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे पेपर में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि मैंने ना इस तरह से पेपर में डाल के इसको थोड़ा सा गरम तवे पे सेका था, क्योंकि जैसे यूट्यूब में जब मैंने सर्च किया, मतलब ये सीखा था, तो उन्होंने बोला था कि जब हम इसको गरम तवे में सेकते हैं कागज़ के अंदर डाल के, तो ये एक्टिवेट हो जाता है केसर। केसर आप लोग सोच रहे होंगे इतना कम, बट गाइस लास्ट टाइम मैंने इसका डबल, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 केसरी ही है। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, वो इतना पीला हो गया था ना, तो ये रहा मैंने केसर भी डाल दिया। अब देखिए देखते देखते ना इसका कलर चेंज हो जाएगा केसर की वजह से, देखते रहना। ये मेरे नाइट क्रीम का ही है, तो आई विल पुट दिस ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। एक हफ्ते के लिए बनाया मैंने ये, सो आई विल पुट इट हियर। मैंने अपने फेस को अच्छे से धो लिया है, सो ये रहा, काफ़ी बन गया, हफ्ता तो चली जाएगा, सो आई विल अप्लाई दिस एंड जस्ट सी द चेंज। ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना है, वेट आदू, नो दिस इज नॉट फॉर किड्स, सो आई शो यू। जिन्होंने भी ये यूट्यूब पर, मुझे नाम तो नहीं पता किन्होंने बनाया था, तो मैंने शॉर्ट्स में ही देखा था एंड मैंने ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने पहले नहीं दिखाया, बिकॉज मैं पहले अपने में ट्राई करना चाहती थी, तो इसलिए मुझे लगा कि पहले मैं अपने पे ट्राई कर लेती हूँ फिर मैं दिखाऊँगी। सो आई थिंक यू कैन सी, अब आपको ऐसे सो जाना है और सुबह उठ के फिर ब्रश व्रश करके मुंह धो लेना है। होप आप लोग को ये चीज़ पसंद आएगी, आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, एंड फॉर टाइम बिंग थैंक यू, एंड यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड येस प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एट द अर्लीस्ट, एंड गुड नाइट, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, ta-da! Bye-bye!